अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप फैसाबाद से बिलोंग करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मॉडल सिटी के नाम का कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाजमी देखा होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मॉडल सिटी के नाम से कौन से प्रोजेक्ट हैं फैसाबाद में। यहाँ पर आपको 208 चक रोड पर मॉडल सिटी 1 मिलेगा, उसके बाद मॉडल सिटी एग्जेक्टिव मिलेगा इसी 208 चक रोड पर, मॉडल सिटी रॉयल विलास है लोअर कनाल रोड पर, मॉडल सिटी समुंदरी है, मॉडल सिटी 2 है सत्याना रोड पर, और इसी के साथ मॉडल सिटी 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक है। अगर हम डेवलपर्स की बात करें तो ये रफी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। इनके बिलबोर्ड आपको शहर में डिफरेंट जगह पर नजर आ भी रहे होंगे। मॉडल सिटी 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक के अलावा इनका एक और प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है जो है ग्रीन टॉप सिटी के नाम से। ये कनाल एक्सप्रेस वे पे वापटा सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट लॉन्च हो रहा है। अगर आपको उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडल सिटी 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में तफसीलात देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लालपिया ट्रेवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। सहूलियात की बात करें तो इसकी एक एंट्रेंस इंतहाई कामयाब कॉलोनी मॉडल सिटी 2 के अंदर से है, जिसकी वीडियो भी हम आपको इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और इसका शॉर्ट सा व्यू हमने वीडियो के स्टार्ट में भी दिखा दिया है। तो अगर आप रिहाइश करते हैं तो आपको तमाम सहूलियात इजीली मुयस्सर होंगी। रोड्स की डेवलपमेंट जारी है। मेन बुलेवर्ड इसका 100 फिट का है और इसके अलावा 38 फिट का मिनिमम रोड विड्थ है और 40 फिट और 60 फिट के रोड्स हैं। ग्रीन बेल्ट बनाई जाएंगी, पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, मसाजिद के लिए जगह छोड़ी है, ओवरहेड वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन जारी है, वाटर डिस्पोजल के लिए जगह है, पब्लिक बिल्डिंग के लिए जगह है, कमर्शियल मार्केट्स यहाँ पे डेवलप होंगी और इसके साथ स्कूल के लिए भी जगह छोड़ी गई है। इसके मैप के बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसकी जो बैक साइड की एंट्रेंस है वहां पर एक तरफ 11 कनाल और दूसरी तरफ 46 कनाल जगह कमर्शियल के लिए छोड़ी गई है, तो मल्टीपल एंट्रेंस की वजह से इसका एक्सेस का मसला भी रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा स्विग गैस का डिमांड नोटिस ऑलरेडी पेड है। चूंकि मॉडल सिटी 2 में गैस आ चुकी है तो यहां पर भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई खास मसला नहीं होगा। इसके अलावा जैसे ही डेवलपमेंट का काम थोड़ा कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेट की बात करें तो आपको मॉडल सिटी 2 में नया टेल इंटरनेट मिलता है और यही एक्सपेंशन होगी जब मॉडल सिटी 2 में घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम आपको मॉडल सिटी 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक के मैप के बारे में गाइड करते हैं। तो ये आपके सामने इसका मैप है। इसकी एक एंट्रेंस मॉडल सिटी 2 की तरफ से है। सी ब्लॉक से मेन बुलेवर्ड से आप मॉडल सिटी 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक में एंटर होते हैं। यहां पर डिफरेंट कैटेगरीज के प्लॉट्स हैं, ब्लॉक्स हैं और दूसरी एंट्रेंस इसकी बैक साइड से है। ये आपका रास्ता दूसरी एंट्रेंस का है। कॉलोनी में एंटर होते हैं तो ये आपका एफ ब्लॉक आता है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मेन बुलेवर्ड के साथ आपका ये जी ब्लॉक है। ये आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज के प्लॉट्स हैं, पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट हैं और उसके बाद आपका ये एच ब्लॉक है। यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक की जगह छोड़ी गई है, पार्क की जगह छोड़ी गई है और वाटर डिस्पोजल की जगह छोड़ी गई है। यहां पर भी कमर्शियल के लिए जगह छोड़ी गई है और इसके बाद आपका एक और मेन बुलेवर्ड है जिसके बाद आप जे ब्लॉक में एंटर होते हैं। ये आपके सामने जे ब्लॉक है, पार्क है, ओवरहेड वाटर टैंक है और ये आपके लिए डिफरेंट कैटेगरीज के प्लॉट्स हैं। जे ब्लॉक के साथ आपका यहाँ पर के ब्लॉक आता है, के ब्लॉक में भी डिफरेंट पार्क्स हैं और उसके बाद आपका एक और बुलेवर्ड क्रॉस करते हैं तो आपका एल ब्लॉक है जिसकी एंट्रेंस आपकी बैक साइड से है। यहाँ पर पार्क के लिए जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर काफी बड़ी जगह कमर्शियल के लिए छोड़ी गई है। अभी हमने आपको इसके मैप के बारे में ओवरव्यू दिया है। ये सारा प्लान है इसके डेवलपर्स का, वो हम उम्मीद करते हैं कि कंस्ट्रक्शन एज इट इज इसी प्लान के मुताबिक कंप्लीट होगी। मॉडल सिटी 2 एग्जेक्टिव ब्लॉक की मेन एंट्रेंस सत्याना रोड से है और सत्याना रोड की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है तो आपका सफर यहां पर काफी आसान हो चुका है। तो मॉडल सिटी 2 और नियर बाय कॉलोनीज की आबादी के साथ यहां पर मजीद सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। प्लॉट्स की कटिंग की बात करें तो यहां पर मिनिमम जो प्लॉट की कटिंग है वो 5 मल्ला की है। रेट्स की अगर हम बात करें तो इसके बैक साइड पे जो रेट है वो 6.5 लाख से 7.25 लाख रुपया फी मल्ला है और फ्रंट का जो रेट है वो 7.5 लाख रुपया फी मल्ला है। ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था जो यहां पर 2 से 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट का भी टाइम था। चूंकि तमाम प्लॉट सेल हो चुके हैं तो रीसेल में अभी इंस्टॉलमेंट्स नहीं है और आपका ये रेट सेलर वाइज वेरी भी कर सकता है और सेलर वाइज आपको 1-2 माह का पेमेंट टाइम भी मिल सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में या लाइल प्रिया ट्रेवल्स के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो या किसी किस्म की कोई सजेशन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। किसी किस्म की परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।